हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ्राइड चिकन कैसे बनाते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, घर के कॉमन इंग्रेडिएंट से हम KFC स्टाइल वाला चिकन घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस चिकन को कैसे बनाते हैं जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। हम सबसे पहले लेंगे 1/2 kg चिकन। हम चिकन के लार्ज पीसेस को इस तरह से कट्स लगा लेंगे और चिकन में जो बोनलेस पीसेस होते हैं हम इन पीसेस में से स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो सिर्फ बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, या आप विद बोन वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चिकन को कट करने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए हम चिकन के अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप या टमाटो सॉस। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। मैं अभी इसके अंदर 1 टीस्पून इंस्टेंट नूडल्स मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप कोई भी ब्रांड का इंस्टेंट नूडल्स मसाला इस्तेमाल कर लीजिए। अभी हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अभी हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से इन सारे मसालों में कोट हो जाए। चिकन को अच्छे से कंबाइन करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम करीब आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अभी हम रस्क के 4 से 5 पीसेस लेंगे और इसको इस तरह से हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। अभी इन पीसेस को हम एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में ऐड कर लेंगे और हम इसको थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अभी एक बाउल में हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिए। और इसके अंदर हमने जो रस्क को पीसा हुआ था उसको हम करीब 2 से 3 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इससे आपके कबाब जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। अभी हम इस फ्लोर मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर हम साइड में रख देंगे। हम इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी आप एक बाउल में पानी ले लीजिए और अपना मैरिनेटेड चिकन को पहले इस फ्लोर मिक्सचर में अच्छे से कोट कर दीजिए। तो चिकन को कोट करने के बाद हम इस चिकन को वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। अभी चिकन को वाटर में से निकाल कर अब इसको दोबारा से फ्लोर मिक्सचर में अच्छे से कोट कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा फ्लोर है उसको अच्छे से डस्ट करके आप निकाल लीजिए। अभी आप चिकन के टेक्सचर को ऑब्जर्व कर लीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से डबल कोटिंग करने से हमारा चिकन जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। आप जब चिकन के पीसेस को इस तरह से कोट करते हैं ना फ्रेंड्स, आपका जो फ्लोर मिक्सचर है वो थोड़ा सा स्टिकी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमने फ्लोर मिक्सचर पहले निकाला हुआ था आप उस फ्लोर मिक्सचर को थोड़ी देर बाद ऐड कर लीजिए और इस फ्लोर मिक्सचर से आप कोट करते जाइए। अभी चिकन को तलने के लिए मैंने यहाँ तेल को गर्म कर लिया है। गर्म तेल में आप अपने चिकन के पीसेस को ऐड कर दीजिए। आपका तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, मीडियम हॉट तेल में आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। अभी हम चिकन को करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इन चिकन पीसेस को टर्न कर देंगे। अभी मैंने टर्न कर लिया है। चिकन पीसेस को टर्न करने के बाद हम इसको ढक देंगे। ढककर हम करीब
3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। ढककर पकाने से आपका चिकन जो है वो अंदर से जूसी बन जाएगा फ्रेंड्स। अभी 3 से 4 मिनट बाद हम लिड को ओपन करके इसको 1 या 2 मिनट दोबारा से पका लेंगे। अभी हमारा चिकन बन के तैयार है। हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर इसे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो सब निकल जाए। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनके तैयार है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल KFC स्टाइल वाला जो चिकन होता है उसी तरह से बनके तैयार होता है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चिकन अंदर से कितना जूसी बनके तैयार हुआ है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।